एक रुपए का नोट बनाएगा करोड़पति। एक रुपए के नोट की कीमत है 1 करोड़ रुपए। अब आपको भी करोड़पति बना सकता है 1 रुपया। इस वक्त हमारे साथ कपिल गुप्ता हैं। कपिल गुप्ता के पास एक बड़ी लंबी कलेक्शन है 1 रुपए के नोट की। एक कलेक्टर के लिए इसकी बहुत ज्यादा कीमत होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें इतने ज्यादा प्रीफिक्स और वैरायटी होती है। एक आम लोगों के लिए तो आप ये देखोगे सिर्फ 1 का नोट है, पर इसमें इतनी ज्यादा वैरायटी निकलती है। जैसे आपको अल्फाबेटिकली मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको जी। जैसे ये एक ही ईयर है सारा, पर इसमें हर ईयर में जो प्रीफिक्स है वी डब्ल्यू वाई एफ एन जे यू पी, कहने का मतलब है इसमें एक ही ईयर में करीबन 30-35 प्रीफिक्स आते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। गाइज, अगर आपके पास में प्राचीन काल के पुराने नोट और सिक्के हैं जिन्हें आप बेचकर अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, अभी तक आप लोगों के करेंसी नहीं सेल हुई है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। मैं आप लोगों को बताऊंगा आप घर बैठे नोट और सिक्के कैसे सेल कर सकते हैं, एग्जीबिशन में आपको कैसे बेचना होगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर कोई भाई वीडियो में दी गई जानकारी फॉलो करेगा तो मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। अभी मैं आपको जो वीडियो में 6 सिक्के और 6 नोट बता रहा हूं, ये नोट और सिक्के आप मुझे भेजोगे तो मैं आपके 24 घंटों के अंदर ये नोट और सिक्के खरीद लूंगा। अभी इनकी मेरे पास फुल डिमांड आई हुई है। ये नोट और सिक्के अभी दिल्ली वाले एग्जीबिशन में, अहमदाबाद वाले एग्जीबिशन में, इसके अलावा भी कई अलग अलग शहरों में जो एग्जीबिशन लगे हुए हैं उनके अंदर नीलामी के लिए रखे गए हैं। मैं आपको जो नोट और सिक्के बता रहा हूं उनके अंदर कौन सी यूनिक चीज होनी चाहिए, जैसे कि अगर आपके पास में ट्रैक्टर वाला नोट है तो ट्रैक्टर वाला नोट कौन सा होना चाहिए, एग्रीकल्चर वाला 100 रुपए का कौन सा फैंसी नंबर वाला नोट है तो उसकी कीमत आपको कितनी मिलेगी, 500 और 1000 रुपए के आपके पास में नोट है तो भी यहाँ पर आप बेच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कॉइन्स की बात करें तो अगर आपके पास में 1 रुपए वाला कॉइन है, 1 रुपए वाले भी अलग अलग प्रकार के कॉइन है, मैं आपको जो वीडियो में कॉइन्स बता रहा हूँ वे आपके पास में सिक्का है तो एक बार आप मेरे को जरूर भेजें। इसके अलावा 5 रुपए वाला कॉइन है, इंदिरा गांधी वाला कॉइन है, जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर वाला कॉइन है, अलग अलग प्रकार के कॉइन है, मैं आपको जो वीडियो में सिक्के बता रहा हूँ जो नोट बता रहा हूँ ये नोट और सिक्के भेजोगे तो आप मुझे तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मैं पिछले 6 साल से पुराने नोट और सिक्के खरीद रहा हूँ, आज तक मैंने काफ़ी सारे लोगों के नोट और सिक्के खरीदे हैं, किसी से कोई फीस नहीं ली। आप भी बिना फीस नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा आप घर बैठे मेरे को नोट और सिक्के कैसे बेच सकते हैं। अगर आप एग्जीबिशन में आकर बेचना चाहते हैं तो अभी मैं यहाँ पर दिल्ली वाले एग्जीबिशन में हूँ, आप एग्जीबिशन में आकर भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मेरे से फेस टू फेस मिलकर मुझे नोट और सिक्के भेजना चाहते हैं तो मैं आपको मेरा एड्रेस बताऊंगा कि दिल्ली वाले एग्जीबिशन में मेरा कौन सा कॉइन शॉप है, अलग अलग जो काउंटर है मैं आपको बताऊंगा मेरा कितने नंबर का काउंटर है, पूरी जानकारी आप मेरे खुद से ले सकते हैं। मैं आपको जो वीडियो में नंबर दे रहा हूं उन्हीं नंबर पर आपको संपर्क करना होगा। बाकी दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जितने भी फ्रॉड नंबर देखने को मिलते हैं उन पर आपको संपर्क नहीं करना है, अगर आप उनसे संपर्क करेंगे तो वे आपसे रजिस्ट्रेशन फीस की डिमांड करेंगे, एडवांस में पैसे मांगेंगे, तो दोस्तों ऐसे आप फ्रॉड लोगों से बचें और ना ही आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कभी नंबर देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इनके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इंडिया के किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके नज़दीकी शहर में कहां पर कॉइन शॉप लगा हुआ है। अगर आप कॉइन शॉप में बेचना चाहते हैं तो मैं आपको अलग अलग शहरों में जो कॉइन शॉप है उनके अंदर जो मैनेजर हैं डायरेक्टर हैं उनके मैं आपको नंबर दे दूंगा, जिससे आप उनसे संपर्क करके आसानी से अपने नोट और सिक्के बेच सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ हर कोई नोट और सिक्का रेयर नहीं है, जो नोट रेयर हैं जो सिक्के रेयर हैं उनके अंदर क्या यूनिक चीज होनी चाहिए, अगर आपके पास में ये नोट और सिक्के हैं तो आपको कितनी कीमत मिलेगी, एग्जीबिशन में कितनी कीमत मिलेगी, हम लोग आपको कितनी प्राइस देंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। अगर कोई भाई वीडियो ध्यान से देखेगा और वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करेगा, अभी मैं आपको इस वीडियो में मेरे नंबर दूंगा, ईमेल आईडी दूंगा, YouTube पर पहली बार मैं आपको मेरे अभी जो मेरे फोन में नए नंबर है वे मैं आपको दे रहा हूँ, ये नंबर आज तक आपको किसी ने नहीं दिए होंगे, अभी मेरे फोन में जो वर्किंग नंबर है वही मैं आपको नंबर दे रहा हूँ,
कोई भाई इस नंबर पर संपर्क करेगा तो मैं आप लोगों के सिर्फ 10 घंटों के अंदर मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा और 24 घंटों के अंदर आपसे नोट और सिक्के खरीद लूंगा, पेमेंट मैं आपको हैंड टू हैंड पे कर दूंगा। अगर आपके पास में मेरी ईमेल आईडी नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो में ईमेल आईडी दूंगा, पूरी जानकारी दे रहा हूँ, वीडियो एंड तक देखें। मैं आपको जो वीडियो में नोट और सिक्के बता रहा हूँ वही आपको मेरे को भेजना है। अगर दोस्तों आपको मैंने अभी नंबर दे दिए तो आप सीधा मेरे से संपर्क करेंगे और आपके पास में जो भी पुराने सिक्के हैं या फिर पुराने नोट है वे आप मुझे भेज दोगे। लेकिन दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, मैं आपको पहले जो नोट और सिक्के बता रहा हूँ अगर आपके पास में यही सेम नोट और सिक्के हैं तो ही आपको मेरे को भेजना है। दूसरे नोट और सिक्के भेजेंगे तो मैं आप लोगों के ये नोट और सिक्के नहीं खरीदूंगा, इनकी मेरे पास कोई डिमांड नहीं है। लेकिन गाइज अभी मैं आपको जो वीडियो में 6 सिक्के और 6 नोट बता रहा हूँ ये आपके पास में है तो एक बार आप मेरे को जरूर भेजें, मैं आप लोगों से ये नोट और सिक्के हाथों हाथ खरीद लूंगा, पेमेंट मैं आपको हैंड टू हैंड पे कर दूंगा। आगे की जानकारी लेने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों अभी मैं आपको इस वीडियो में जो 6 सिक्के और 6 नोट बता रहा हूँ ये अगर आपके पास में है तो ही आप लोगों को मुझे भेजना होगा। उनके अंदर कौन सा मिंट मार्क होना चाहिए, कौन सा नोट रेयर है, पूरी जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो आप ये सिक्का देख रहे हैं ये 25 पैसे वाला कॉइन है, ऊपर आपको रुपये का चौथा भाग लिखा देखने को मिलेगा। ये सिक्का 1967 में जारी किया गया डॉट मिंट मार्क वाला कॉइन है, यहाँ पर आपको इस तरह की डिजाइन बनी देखने को मिलेगी। ऐसा सेम आपके पास में सिक्का हुआ तो इसकी कीमत में आप लोगों को 1,65,000 रुपए दूंगा। आपके पास में ऐसा सिक्का हुआ तो एक ये सिक्का भेजना होगा, ऐसे मुझे 2,00,000 कॉइन कलेक्शन में चाहिए। अब अगला यहां पर जो आप ये 500 रुपए का नोट देख रहे हैं ये नोट है जो 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार द्वारा बैन किए गए थे, आप सभी को पता होगा। अगर किसी भाई के पास में अभी ऐसा नोट मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सीरियल नंबर में 7786 सीरियल नंबर लिखा देखने को मिलेगा। ऐसा सेम आपके पास में नोट है या फिर इसके अलावा स्टार वाला नोट हो गया, ऐसा आपके पास में नोट हुआ तो इसकी कीमत मैं आप लोगों को 5,27,940 रुपये दूंगा, लेकिन फैंसी नंबर वाला नोट होना चाहिए। ऐसे अभी मेरे को 70,000 नोट कलेक्शन में चाहिए, आपके पास में फैंसी नंबर वाला नोट है तो ही आप लोग मुझे भेजें। अब गाइज यहाँ पर जो आप अगला नाव वाला नोट देख रहे हैं, ऐसा अगर आपके पास में नोट है यहाँ पर आपको एक नाव की फोटो देखने को मिलेगी या फ्रंट साइड में अशोक स्तंभ की फोटो है, वाटर मार्क में अशोक स्तंभ की फिर फोटो देखने को मिलेगी, यहाँ आपको लिखा देखने को मिलेगा आई प्रोमिस टू पे द बैरियर द सम ऑफ द 10 रुपीज। ऐसा सेम आपके पास में कोई फैंसी नंबर वाला नोट हुआ तो इसकी कीमत मैं आपको 2,45,000 रुपये दूंगा, ऐसे मुझे 6,00,000 नोट कलेक्शन में चाहिए। अगर आपके पास में ऐसे नोट है तो आप नंबर नोट कर लीजिएगा, इन नंबर पर आपको ये नोट भेजने होंगे। नंबर नोट करें 9163671928440, इन नंबर पर आपको संपर्क करना होगा। अगला यहाँ पर जो आप ये कॉइन्स देख रहे हैं, अगर आपके पास में ऐसा 5 रुपये वाला कॉइन है तो मैं आपको जो अलग नंबर दे रहा हूँ उन नंबर पर आपको ये सिक्का भेजना है। इसके दोनों साइड में आपको इस तरह की डिजाइन बनी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको सन के जस्ट नीचे डायमंड मिंट मार्क बना देखने को मिलेगा। ये सिक्का 2009 में जारी किया गया है, इसके बैक साइड में यहाँ पर अशोक स्तंभ की फोटो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना इसके चारों तरफ जो आप इस तरह के डॉट डॉट मिंट मार्क बने देख रहे हो ये इसमें होने चाहिए। आपके पास में ऐसा सिक्का हुआ तो इसकी कीमत मैं आपको इतनी दूंगा। इसके अलावा अगर आपके पास में ऐसा स्टार वाला नोट है, सीरियल नंबर के पहले स्टार बना हुआ है, आपके पास में ऐसा स्टार वाला नोट हुआ तो इसकी कीमत आप लोगों को 2,57,000 रुपये मिलेगी, अगर आपके पास में ऐसा स्टार वाला नोट हुआ। इसके अलावा अगर आपके पास में चाहे 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का हिरण वाला स्टार वाला नोट है तो भी दोस्तों उसकी कीमत 3,00,000 रुपये मिलेगी, और इसके अलावा ट्रैक्टर वाला स्टार वाला नोट हुआ तो उसकी भी कीमत आपको 3,00,000 रुपये ही मिलेगी। आपके पास में ऐसे स्टार वाले नोट हुए तो मैं आपको जो अभी ईमेल आईडी दे रहा हूँ इन नंबर ईमेल पर आपको संपर्क करना होगा। आप ईमेल आईडी नोट कर लीजिएगा, रियल ओल्ड कॉइन बायर 9005@gmail.com, इन पर आपको ये स्टार वाला नोट भेजना है। अगला मैं आपको जो अलग नंबर दे रहा हूँ उन पर आपको अलग नोट और सिक्के भेजने हैं। यहाँ पर जो आप ये 100 रुपये का नोट देख रहे हैं ऐसा आपके पास में फैंसी नंबर वाला नोट है तो भी यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप ये 500 रुपये का नोट देख रहे हैं ये नोट है जो 100 साल पुराना है, किसी भाई के पास में ऐसा नोट हुआ तो इसकी कीमत आपको 5,00,000 रुपये मिलेगी।
ज्वाला नेहरू की तस्वीर वाला 1989 में जारी किया गया डायमंड मिंट मार्क वाला कॉइन हुआ, तो उसकी कीमत 6 लाख रुपए मिलेगी। ये सिक्का आपको मेरे को भेजना है, ऐसे मुझे 50,000 सिक्के कलेक्शन में चाहिए, ज्वाला नेहरू की तस्वीर वाले कॉइन। कोई भी अगर आपके पास में कोमेमोरेटिव वाले कॉइन है तो आप मेरे को भेज सकते हैं। यहाँ पर जो आप ये 2 रुपए वाला कॉइन नोट देख रहे हैं, ऐसा आपके पास में नोट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का आपको डिजाइन बनी देखने को मिलेगी। फ्रंट साइड में अशोक स्तंभ की फोटो है। सीरियल नंबर में अगर आपके पास में फैंसी नंबर वाला नोट हुआ तो उसकी कीमत मैं आपको 3,72,000 रुपये दूंगा। इंदिरा गांधी वाला अगर आपके पास में कॉइन मिल जाता है तो ये सिक्का भी आपको मेरे को भेजना होगा। गाइज जब आपके पास में जो भी नोट और सिक्के हैं जिन्हें आप भेजना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, घर बैठे सेल करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो में कंप्लीट जानकारी दी है, नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी दिए हैं, पूरी जानकारी दी है। अगर आप वीडियो को स्किप करके आगे आ चुके हैं तो इसमें गलती आपकी है, वीडियो आप दोबारा वॉच करें। वीडियो में दिए गए नंबर पर आपको मैंने जो वीडियो में नोट और सिक्के बताए वही आपको भेजने होंगे। अब दोस्तों अगर आप लोग अलग अलग शहरों में जो एग्जीबिशन लगे हुए उनकी जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आई बटन में 2 वीडियो देखने को मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इनमें मैंने आपको अलग अलग शहरों में जो एग्जीबिशन लगे हुए उनकी जानकारी दे रखी है।